एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय संकेतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 8th क्लास का सेकंड चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने कल स्टडी किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। इतने स्मॉल जो हमें दिखते भी नहीं है उनको बोलते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वो हमारे लिए यूजफुल है उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब स्मॉल, जो हमें दिखते भी नहीं है, इतने छोटे होते हैं, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे है। कभी सोचा है कोई बीमारी होती है कैसे होती है? देख पाते हो बीमारी को कि हाँ हो रही है, ऐसे हो रही है? नहीं। किसके थ्रू होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे होते हैं, कैसे वो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या वो हमारे अंदर डायरेक्ट आते हैं, क्या किसी और के थ्रू आते हैं, उसके बारे में आज हम फुल डिटेल डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको बोलते हैं हम माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब हो गए, ये क्या होते हैं? इधर से उधर स्प्रेड होते हैं और स्प्रेड करने के लिए अलग अलग सोर्स लेते हैं, जैसे किसी इंसान के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं, किसी छोटे स्मॉल इंसेक्ट के थ्रू, अलग अलग तरीकों से क्या होते हैं कि स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं, पहले तो जान लो, पैथोजन, ठीक है, जो हमें हार्मफुल पहुंचाते हैं उन्हें पैथोजन बोलेंगे। तो ये किसके थ्रू होती है? माइक्रोब्स होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, जो हमें दिखते भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इतने छोटे जो हमें दिखते भी नहीं है तो वो हमें क्या करते हैं? हार्म पहुंचाते हैं। किसके थ्रू? अलग अलग थ्रू। जैसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन अच्छी है, इसमें एक दूसरे से अच्छी बात करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे कि मेरे थ्रू किसी और को हो गया, किसी और के थ्रू किसी और को हो गया। तो जैसे कि कम्युनिकेशन अच्छी होगी किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो वो हम बीमारी कॉज करते हैं, क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलेंगे हम कम्युनिकेबल डिजीज, जो क्या होती है? एक दूसरे से हो जाती है, वो स्प्रेड होती है बहुत फास्ट से, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस हो चला है। तो सोशल डिस्टेंसिंग क्यों मना की है? क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है, वो एक दूसरे से बहुत फास्ट मूव करती है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मना की जाती है। देखो, कुछ बीमारी होती है तो आप क्या करते हो? नाक कवर कर लेते हो, कई बार जैसे जुकाम हो, क्यों? क्योंकि वो बीमारी क्या होती है? कम्युनिकेबल बीमारी है, एक दूसरे से फैलती है। जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, क्या बोला जाता है? इससे दूर पो, इसको स्मॉल पॉक्स हुआ है, अलग रखो। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे कि कोल्ड, ठीक है, कॉलेरा और स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये क्या है? और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है जो क्या है? कम्युनिकेबल, एक दूसरे से फैलती है। अब जरूरी नहीं है कि जैसे कि मुझसे इसको फैली है, कई बार क्या होता है जैसे कि मेरे पास कोई इंसेक्ट आया, वो मेरे थ्रू से उसने क्या, वो वायरस को कैरी कर लिया और वो उसने अपने अंदर ले लिया, अपने से क्या हुआ, उसने वो किसी और को दे दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये क्या होगा, मेरे थ्रू किसी और को, किसी और के थ्रू अलग। कुछ होते हैं कैरियर होते हैं, खुद को उनको प्रॉब्लम नहीं होती पर दूसरों को होती है। जैसे कि जहर है, जहर खुद को थोड़ी ना डैमेज, खुद तो ग्रो करता रहता है, जैसे प्लांट है कोई जहरीला है वो खुद तो ग्रो करता है पर क्या होता है, दूसरों को डैमेज करता है। तो कुछ ऐसे जो वायरस है, बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है, किसी और में रेजिस्ट करते हैं। जैसे ये प्लांट आ गया आपका किसी पॉइजन का, वो क्या करता है, वैसे ही कोई चीज है जैसे कि आपका इंसेक्ट आ गया, वो क्या करेगा, वो तो खुद को सर्वाइव करेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जब वो कोई और खाएगा तो वो मर जाएगा। वैसे ही जैसे कि इंसेक्ट है, वो किसी और पे जाके बैठेगा, जैसे कि इंसेक्ट आ गया आपका, ठीक है, ये क्या आ गया, इसी और पे बैठ गया खुद, ठीक है, बट इसको क्या करेगा, नुकसान पहुंचा देगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वैसी बीमारी होती है, जैसे कि हाउस फ्लाई है, उसको क्यों अवॉइड करने को बोलते हैं कि साफ रखो घर को, हाउस फ्लाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो होता है हर जगह उड़ती है, फास्ट मूविंग है उसकी, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टेंसिंग, बहुत कहीं भी बैठ जाती है, उससे क्या होता है, वो कैरियर भी हो सकती है बीमारियों की, तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। जैसे कि मेनली जो बीमारियां चल रही है, जैसे कि मलेरिया किसके थ्रू होता है, एक आपका मच्छर होता है, मॉस्किटो,
कौन सा? एनाफिलस। ठीक है, ये क्या होता है? कैरियर होता है आपके मलेरिया का। खुद इसको हार्म नहीं पहुंचाएगा, खुद मलेरिया, इसको मॉस्किटो होगा जो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इससे क्या होगा, जिसको काट लेगा उसको हो जाएगा। याद रखना, फीमेल एनाफिलस, जो मेल होगा वो कैरियर नहीं होगा। ठीक है, मलेरिया बहुत प्रॉब्लम है। तो वो डेंगू, नाम सुना है? ठीक है, डेंगू कैसे होता है? ये होता है आपका एडीज मॉस्किटो से। ठीक है, तो ये क्या है? फीमेल एडीज मॉस्किटो, वही इसका कैरियर होता है। कैरियर मतलब वो कैरी करके चलता है बीमारी को। ठीक है, बोलते ना कैरी किया इसने बैग, इट्स मी, वो कैरी करके चला है बीमारी को, कैरी करके चला, जिसके वो काटेगा तो वो डेंगू हो जाएगा उसको। ठीक है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो इसलिए क्या किया जाता है, मॉस्किटो को पैदा ही नहीं होने से पानी स्टोर ना करो। ठीक है, जैसा ज्यादा मतलब मच्छरों से बचो, साफ सफाई रखो, डस्ट ना रखो, तो उससे क्या होगा, आपकी जो कॉम्युनिकेशन वाली डिसीजन है वो कम होगी, कम कॉज करेंगी आपको, डैमेज कम पहुंचाएगी। ठीक है, या तो क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, मलेरिया किसके थ्रू कॉज होता है और क्या है डेंगू किसके थ्रू कॉज होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट इस चार्ट को देखो, अलग अलग बीमारी का नाम दिया है, कैसे होती है, कौन सा पैथोजन करता है, ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है वो नाम दिया है, कैसे होती है, प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं ये दिया है इस चार्ट में। तो जैसे कि मिसल्स है, पोलो है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, ये किसके थ्रू होती है, वायरस के थ्रू। जो ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे कि टाइफाइड है, कोलेरा है, ये किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू। मलेरिया किसके थ्रू होती है, प्रोटोजोआ। अभी क्या हमने, कौन सा मॉस्किटो हेल्प करता है आपका, एनोफिलो। ठीक है, तो ये है आपके क्या है, कुछ डिसीजेज हैं जो आपको एक दूसरे से होती हैं। तो ये जो दिए गए हैं इन तरीकों से होती है, जैसे एयर से होती है, वाटर से होती है, कॉन्टेक्ट से होती है। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड करो। ठीक है, समझ जाके प्रिकॉशन क्या रखने हैं यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। पर जो कुछ बीमारियां होती है ना स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए हार्मफुल हो, कि जो इंसेक्ट जो जानवर है उनके लिए हार्मफुल हो। अभी पढ़ा जैसे कि मलेरिया वगैरह है, इसके जो कैरियर हैं वो तो बीमार करते हैं, बट कुछ जो कैरियर हैं वो क्या है, वो उसको जैसे कि जानवरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो रॉबर्ट कोच थे एक साइंटिस्ट, ठीक है, रॉबर्ट कोच, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बीमारी के बारे में पता लगाया जो किसके थ्रू होती है, वो किसके थ्रू होती है, बैसिलस एंथ्रेक्स। ठीक है, ये कैटल डिसीज है। ठीक है, ये उन लोगों को ज्यादा होते हैं ना जो वूल की इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो अवॉइड करना होता है, जैसे कि तो उसको सेफ्टी के साथ काम करते हैं। अवॉइड तो क्या कर सकते हैं, जिनको जरूरत है काम की वो तो करेंगे ही। तो जो ये बीमारी है वो शिप को होती है, शिप से इंसान को हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि पूरे प्रिकॉशन के साथ करें। तो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स क्या है, कैटल डिसीज है, जो इंसानों को भी होती है और जानवरों को भी होती है। ठीक है, समझ गए। क्या डिसीज हमारे लिए हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी है। यस, प्लांट्स के लिए भी डिसीजेस ना बहुत हार्मफुल है। प्लांट्स के किस में पड़ते हैं, कैसे, ठीक है, देखो सिट्रस कैंसर एक टाइप की बीमारी है, जो किस में होती है, ये होती है आपके द्वारा, और क्या है, एयरबॉर्न डिजीज है। ठीक है, फिर रस्ट ऑफ वीट, ठीक है, कैसे होती है ये होती है किसके थ्रू, आपकी होती है फंजाई, कैसी होती है, एयर से। ठीक है, तो आगे आपका क्या, जो प्लांट्स में बीमारी होती है। फिर आता है जैसे कि कभी सुना है फूड पॉइजनिंग होती है, क्यों, अब हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो फिर कई बार क्या होता है, कुछ बीमारियां हो जाए, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, नाम सुना है, फूड पॉइजनिंग कब होती है, जब आप एक्स्ट्रा खाना खा लेते हो या आप स्पॉइल फूड खाते हो तो क्या हो जाती है आपकी, फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग होती है जो कैसे होती है, स्पॉइल फूड खाने से। स्पॉइल फूड कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्या अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड स्पॉइल हो गया, क्या
अभी बनाई सब्जी क्या 2 घंटे बाद स्पॉइल होती है? नहीं, अभी बनाई सब्जी कल तक स्पॉइल होगी, तो आप उसको कल तक कैसे प्रिजर्व करते हो ताकि आप सुबह खा पाओ उसको? तो आप उसको क्या करते हो, प्रिजर्व कैसे कर सकते हो? अलग अलग मेथड से। अब जैसे कि ना कुछ चीजें होती हैं, अब टॉफीज हैं, पैकेट्स चिप्स हैं, अब जब बनी तभी थोड़ी ना खा पाते हो, वो तो सप्लाई आती है फिर दुकान में होती है, जब हमारा मन करता है तब खाते हो, तो उसको क्या किया जाता है, स्टोर भी किया जाता है। तो उसमें क्या यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव। ठीक है, देखो आप क्या करते हो, खाना बनाया अभी, कई बार क्या होता है बच गया, फिर उसको क्या करते हो, शाम के लिए भी यूज कर लेते हो या अगले दिन सुबह के लिए अचार भी बनाते हो, कई के दिन चलता है। क्यों? क्योंकि ना वो प्रिजर्व किया जाता है अलग अलग मेथड से। तो वो पढ़ते हैं, जैसे कि आपको कुछ चीजों को, आपको फूड को क्या करना है, प्रिजर्व करना है केमिकल मेथड से। ठीक है, तो केमिकल मेथड से कैसे करोगे आप? केमिकल मेथड से आप यूज करोगे सोडियम बेंजोएट, कुछ नाम है जैसे कि पढ़ते हैं हम 2-3। सोडियम बेंजोएट क्या है, ये प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। सेकेंड सोडियम, ठीक है, मेटा डाई सल्फेट, ठीक है, ये कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव है यूज किए जाते हैं। किस लिए? आपका जो सामान है बनाया है आपने वो खराब ना हो। ठीक है, और पिकल दे रहे अचार को कैसे स्टोर किया जाता है, आप क्या करते हो, सॉल्ट डालते हो जिससे आपका जो पिकल होता है वो स्टोर रहता है काफी टाइम तक। ठीक है, फिर आप जेलीज में थोड़े ना नमक डाल सकते हो आप, तो क्या करते हो उसमें शुगर, ठीक है, शुगर ऐड करते हो, किसके केस में, जेली के केस में, टॉफीज के केस में। ठीक है, तो जो मीठी चीजें होती हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए आप शुगर का यूज करते हो। फिर आपने अचार में क्या डाल देते हो, कई बार खट्टा टेस्ट बहुत ज्यादा आता है, क्या, विनेगर, ठीक है, विनेगर, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो आप प्रिजर्वेटिव की तरह। बहुत ज्यादा है, क्या है ये प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या होता है कि आपके जो बनाया आपने खाना वो खराब ना हो, उसको बोला जाता है प्रिजर्वेटिव। ठीक है, समझ आ गया। फिर ये तो आ गया विनेगर, प्रिजर्वेटिव। फिर जैसे ना दूध है, दूध में विनेगर डालोगे? नहीं। सॉल्ट डालोगे? नहीं। अब फिर चीनी थोड़ा डाल के रख दो, चीनी कई होता है कम मीठा खाओगे तो चीनी थोड़ा डाल के रख दोगे। क्या करते हो आप दूध को क्या करोगे, जब दूध वाला दूध देता है या मार्केट से आप दूध लेके आते हो तो क्या करते हो, आप क्या करते हो, फ्रिज में रखते हो। क्यों? उसको पहले बॉइल किया, ठीक है, बॉइल के बाद कूल कर दिया। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस था, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पहले हीट किया फिर कूल डाउन किया। इससे भी क्या होता है, आपका मिल्क 1-2 दिन तक स्टोर रह जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पाश्चराइजेशन। ठीक है, इसको किसने दिया था, इसको दिया था लुईस पाश्चर ने। ठीक है, ये इन्होंने क्या दिया था, लुईस पाश्चर ने, पाश्चराइजेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है आप हीट करोगे फिर कूल डाउन करोगे किसी चीज को, जिससे क्या होगा उसका मेंटेन रहेगा टेम्परेचर। ठीक है, जिससे क्या होगा आप प्रॉपरली आप उसको मेंटेन कर पाओगे नॉर्मल कुछ दिन टाइम के, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ये प्रोसेस नहीं काम करेगा, बट कुछ जैसे कि आइसक्रीम वगैरह कुछ चीजें होंगी उसको स्टोर कर सकते हो आप कुछ टाइम तक, ज्यादा टाइम तक अगर रखोगे तो रह जाएगा। ठीक है, तो ये कोल्ड एंड हाई ट्रीटमेंट था। फिर जो नमकीन वगैरह रखते हो स्टूडेंट्स, नमकीन वगैरह रखते हो घर पे, क्या करते हो आप, ओपन पैकेट में क्लोज था तो वो ठीक था, खोल लिया पैकेट थोड़ा खाया, बट उसके बाद आपके अगर मन नहीं किया थोड़ा ही खाया, फिर क्या करोगे, फिर आप क्या करते हो उसको आप एयर टाइट कंटेनर में रखते हो, मतलब पैकिंग भी आपके जो आपका फूड होता है उसको स्पॉइल करने से बचाती है। ठीक है, समझ गए। देखो सिर्फ हमने पढ़ा है जो नाइट्रोजन एक गैस होती है, अब नाइट्रोजन को फिक्स क्यों करने की जरूरत है, क्या जरूरत है? यस, जैसे कि नाइट्रोजन है हमारे चारों ओर कितने परसेंट हो सकती है, 78%। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे प्लांट्स को कैसे मिले, ठीक है, एयर है, एयर से वो प्लांट्स तक कैसे पहुंचे, कैसे होगी, जो क्या होगी, फिक्स होगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, कैसे होगी, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। ठीक है, समझ गए। फिर जो एक और बैक्टीरिया हेल्प करता है, राइजोबियम,
ये क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा, जिससे थ्रू जो प्लांट्स होंगे उनको नाइट्रोजन मिल जाएगी और वो अच्छे से अपने जो न्यूट्रिशन होगी होगी वो पूरी कर लेंगे, ठीक है। ये देखो डायग्राम देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, वो क्या होगा, पहले हेल्प करेगा और जैसे कि फिक्सेशन जब बैक्टीरिया कोई हेल्प करेगा फिर उससे फिक्स होएगी और उससे न्यूट्रिशन होगी फिर से अपने यूटिलाइज देगा, ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके लिए यूजफुल है, कौन सी यूजफुल नहीं है, कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हो चीजों को, ठीक है। ये पूरा चैप्टर था, नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं हम इसके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।